Hello dear student, so again we are here to represent another topic. तो आज हम दूसरा टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत करते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल. तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब पहली बात, यह इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल. पहली बात तो डाइपोल ले ली मैंने. ये क्या होती डाइपोल, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू. ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए. तो डियर स्टूडेंट पहले मैं बता देता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं डेली एक या दो वीडियो डेली आएगी और आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करवाऊंगा क्लास 12th का, राइट? तो हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन. अब एक्सियल लाइन एक्सिस पे, ये है एक्सियल लाइन पे, और ये क्या है, कोई पॉइंट पी, पी पॉइंट पे. अब यहां पर ए नाम दे दिया, यहां पर बी. पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है ओ सेंट्रल पॉइंट. ठीक, पहली बात, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस जो डाइपोल में मेजर करते हैं वो सेंट्रल पॉइंट से मेजर की जाती है. एक एक पॉइंट नोट करो ध्यान से. तो ओ इसका सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर. उसके बाद हर चार्ज की फील्ड है और फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको के भी लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर. अगर मैं यहां पर अब फॉर्मूला निकालूं, हमारे पास दो चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इवन नाम दे दिया. क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्या है, माइनस क्यू. तो माइनस क्यू लिखेंगे या प्लस क्यू, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, किसको माइनस लिखा जाए या प्लस. वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है फिर मैग्नीट्यूड लिखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर का प्रॉपर यूज करो. तो प्लस लिखा जाएगा, क्यों, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे वेक्टर का साइन, यूनिट वेक्टर, सारा वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ती. डिस्टेंस कितनी है, आर ये है, ए ये है, तो क्या बन गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस आर, ये ए, आर प्लस ए का स्क्वायर. अब अलोंग किसके साथ है, चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, तो इवन. तो अलोंग पी से ए की तरफ, पी ए, इक्वेशन फर्स्ट. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो E2 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q है, डिस्टेंस P से, ये कंप्लीट R है बट यहां तक की लेनी हमें, तो इतनी, तो A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर. अब अलोंग चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से दूर जाती है, बात याद रखो बिल्कुल, तो पॉजिटिव से दूर E2, राइट, अलोंग इधर गई बीपी, बी से पी की तरफ. वेक्टर क्वांटिटी की खास बात होती है, अगर स्ट्रेट लाइन पे हो तो प्लस और माइनस, किसी एंगल से हो तो पैरेललोग्राम या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. बट तो स्ट्रेट लाइन पे है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. सपोज करो इधर 10 न्यूटन इधर 8 न्यूटन, नेट फोर्स 10 - 8 = 2, तो अगर सेम में होते तो क्या कर देते, एड, राइट. तो यहां पे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो एट पॉइंट पी पे क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड.
तो E इज इक्वल टू, माइनस करना पड़ेगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों में है, क्यों दोनों में है, तो डिनोमिनेटर में R प्लस ए R माइनस, इसका डिनोमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर जिसका कम होता है वो नंबर क्या होता है, ज्यादा, तो ज्यादा कौन सा है, E2, तो E2 माइनस E1, राइट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो E2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बच गया, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सा। अब इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैल्सियम ले लिया, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, अब ऊपर क्या चला जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, क्यों, यहां पर r माइनस ए था तो कैंसिल, ऊपर r प्लस ए, यहां r प्लस ए था तो यहां पर क्या चला गया, r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं और सारे का स्क्वायर इकट्ठा बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास 2 × 3 हो, ये भी इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो मैं 2 × 3 दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लिख सकता हूं, राइट। अब यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar, ये मैंने माइनस बार था तो साइन चेंज कर दिए, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ar प्लस 2ar 4ar अपॉन नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। अब 4ar है, इसको क्या लिखूं, 2a × 2r। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर डाइपोल एक ही चीज के लिए जानी जाती, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, तो डाइपोल मोमेंट क्या होती, Q × 2a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q × 2a क्या बन गया, P × 2r अपॉन 4π εo r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताई थी जब डाइपोल लास्ट लेक्चर में कि डाइपोल का साइज क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, ये जो 2a डिस्टेंस है नेग्लिजिबल होती है, इसलिए यहां पर एक कंडीशन जरूर लगती है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जब r ग्रेटर देन से a हो तो a को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, P × 2r अपॉन 4π εo, ये r स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, क्योंकि a क्या हो गया, नेग्लेक्ट r क्यूब, तो ये बन गया 2p अपॉन 4π εo r क्यूब, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, सबसे पहले हमारे पास एक पेयर ऑफ चार्जेस है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमें क्या निकालना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां सीधी सी बात, दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, माइनस क्यू का के कारण पी पॉइंट पे एक्सियल एक्सिस पे है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, नेगेटिव है तो इसकी तरफ, ये पॉजिटिव था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r − a का होल स्क्वायर, सेम लाइन पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो ये चीज है, जनरली आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण Q/r स्क्वायर, राइट, क्लियर है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बात इक्वेटोरियल लाइन की, थैंक यू।